के पुंछ में पिछले हफ्ते भारतीय वायुसेना के काफिले पर आतंकी हमला हुआ। पुंछ में शाहिस्तार के पास दहशतगर्दों के वायुसेना के काफिले पर किए गए इस हमले में एक जवान शहीद भी हुआ है। शहीद हुए जवान का नाम कॉर्पोरल विक्की पहाड़े है। साथ ही इस हमले में चार अन्य सुरक्षाकर्मी घायल भी हुए हैं। ऐसे में इस अटैक के बाद सेना एक्शन में आ गई है। बड़े स्तर पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। वहीं इस मामले में अब एक बड़ा अपडेट सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस हमले को लेकर भारत पर आतंकी हमले कराने के लिए आतंकवादी संगठन न केवल नौजवानों को बहला फुसला रहे हैं बल्कि पाकिस्तानी आर्मी के रिटायर्ड जवानों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। खुफिया एजेंसियों के सूत्रों का कहना है कि जिस तरह से वायुसेना के काफिले पर गोलियां बरसाई गईं, उसे देखते हुए इस शक को और बल मिल रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि पिछले कुछ समय से जिस तरह से जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले किए जा रहे हैं, उसमें ट्रेंड हमलावरों का हाथ लग रहा है। ये पहले से ही पॉइंट ब्लैंक जैसे हमले करने में माहिर हैं। शक है कि इन सभी को भी आतंकवादियों के साथ ही पीओके में ट्रेंड किया जा रहा है। पाकिस्तान आर्मी से रिटायर्ड कुछ जवानों और कमांडो को चुनकर इन हमलों में लगाया जा रहा है। आपको बता दें कि हमले के पीछे आतंकवादी संगठन लश्करे तैबा और जैश ए मोहम्मद के हाथ होने का शक है। ये जम्मू कश्मीर में रह रहे कुछ स्थानीय लोगों के भेष में स्लीपर सेल की मदद कर रहे हैं। सूत्रों से ये भी खबर है कि पूंछ में 4 मई को हुए हमले से पहले 3 मई को पीओके में हुई रैली में मोस्ट वांटेड आतंकी भी शामिल थे। आपको बता दें कि इस हमले के संबंध में अब तक 20 से अधिक लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया जा चुका है। सुरक्षा बल उन आतंकवादियों को मार गिराने के लिए सुराग जुटा रहे हैं जो शनिवार शाम सूरनकोट इलाके में शाहिस्तार के पास घात लगाकर हमले के बाद पास के घने जंगलों में फरार हो गए थे। इस खबर में बस इतना ही। ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म।